युगों युगों से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूजनीय पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। आज 17 दिसंबर 2019 दिन मंगलवार, पौष मास का कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज पंचमी तिथि मध्य रात्रि 3:40 तक रहेगी और उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:56 से लेकर 12:36 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल दोपहर 2:50 से लेकर शाम 4:06 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। अब मैं बताने जा रहा हूँ धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होगी और उनकी पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। आज यदि आप किसी नए कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आज का दिन शुभ है। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। स्टूडेंट्स, आज अगर कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी आज उनको सफलता प्राप्त होगी। आज नौकरी पेशा व्यक्ति को व्यर्थ में ही यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे उनका धन और समय नष्ट होगा। आज रात्रि के समय आप बेचैन महसूस करेंगे और आपकी निद्रा में भी भंग पड़ सकता है, इसलिए आज आपको जरूरत है कि रात्रि में सोने से पूर्व आप मेडिटेशन अवश्य करें, इससे आपको मन की शांति मिलेगी और आपके शरीर में विघ्न नहीं पड़ेंगे। धनु राशि वालों, अगर आपके पास अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग के एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए, और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके आज हर राशि का जातक माता महालक्ष्मी जी की कृपा का पात्र बन सकता है। आज आप प्रातः काल उठकर पवित्र होकर 108 कमल गट्टे के बीजों की आहुति
घी के साथ अग्नि में एक एक करके दें। आहुति देते वक्त आप माता मां लक्ष्मी जी के कर कमलों का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके धन के भंडारों में सदैव वास करें और आपको आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आज आप इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करते हैं तो निश्चित ही माता मां लक्ष्मी जी की कृपा से आपके धन के भंडारों का विस्तार होगा और आपका जीवन सदैव ही सुख सुविधाओं से संपन्न रहेगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। मेरा नाम जन्मंजय सिंह, मैं सियालबाग से आया हूँ। गुरु माँ ने मुझे ये आंगूठी पहनाई थी, मैंने ये आंगूठी पहना, मुझे काफी बहुत फर्क मिला है। मेरे को काम धाम में भी बहुत इसमें बहुत मदद मिला, मेरा मन बहुत साफ है, क्लियर रहता है, अभी टेंशन भी नहीं रहती है इस चीज़ में। पहले 6-7 महीने पहले आया था, मेरा कुछ प्रॉब्लम था अपना घरेलू, तो मैंने गुरु माँ से कुछ सलाह बोला था इस चीज़ के बारे में, फिर मैं इसलिए दोबारा आया हूँ। मुझे और कुछ बाकी था, मेरा अंगूठी लेना है, इसी बात के लिए मैं आया हूँ दोबारा। और लोगों को मैं यही देना चाहता हूँ, आप भी विश्वास कीजिए, आप आइए गुरु जी के यहाँ, गुरु माँ के यहाँ पे आके आप अपना जो भी परेशानी है बताइए, उसका समाधान होगा जरूर 100%। विश्वास करने से विश्वास होता है, आप विश्वास कीजिए। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।